हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिलेक्टर। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक्स फाइंड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप एक न्यू यूट्यूब चैनल बनाए हैं और आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए टॉपिक्स खोज रहे हैं, टॉपिक फाइंड कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता चल रहा है, आप अपने यूट्यूब कैटेगरी के रिलेटेड ही सोच रहे हैं कि मैं कैसे फाइंड करूँ टॉपिक, तो आज के इस वीडियो में ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने यूट्यूब चैनल के कैटेगरी से रिलेटेड ही हमेशा आप अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड कर सकते हो, जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं। तो गाइज चलिए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। चलिए गाइज, अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के कैटेगरी के रिलेटेड कैसे आप अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स को या आप टॉपिक्स को कैसे फाइंड कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आपके जो भी कैटेगरी का चैनल है, जैसे अगर आपका टेक का है या आपका गेमिंग का है या मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स का है या अनबॉक्सिंग का है, तो आपका जो भी कैटेगरी का हो, तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, उसी से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपसे बड़े यूट्यूबर हैं। हाँ, यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं, अब यहाँ पे टेक्निकल गुरु जी को ही नहीं आपको देख लेना है, आपको मतलब कि आपसे थोड़ा सा ज्यादा नहीं, नॉर्मल ही आप उनके वीडियोस को देखिए, और उनके वीडियोस को देखने के बाद अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, सिंपली से उनके कमेंट में, वहां पे आपको देखना है कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, वहां पे बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के कमेंट करते हैं और वहां पे आपको बहुत सारा टॉपिक्स मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे अब आपको करना क्या है, वहां से आपको टॉपिक को उठाना है और टॉपिक को उठाने के बाद अब आपको उस पर वीडियोज बनाना है, और वीडियो जैसे ही आप बनाते हो तो धीरे धीरे आपका व्यूज आ जाएगा। एक बात और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको क्या होगा कि भाई स्टार्टिंग में व्यूज नहीं आएंगे, तो उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आप भाई बोलोगे कि भाई आपने बताया लेकिन वर्क नहीं करा है, भाई आपको कुछ समय तक उससे आपको वहां से टॉपिक लेना है, टॉपिक लेने के बाद व्यूज मतलब नहीं आएंगे, फिर भी आपको वीडियोस बनाना है। उसके बाद जैसे ही आप वीडियोस बनाते जाएंगे तो यहां पे अब आपको क्या होगा कि कुछ समय के बाद आपके ही अपने खुद चैनल पे जो भी आप वीडियोस अपलोड करेंगे तो वहां पे आपको टॉपिक्स मतलब कि मिल जाएंगे। अब बोलो कैसे मिल जाएंगे, भाई यहां पे आपके वीडियोस में आपको बहुत सारे कमेंट करेंगे लोग कि भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है या ये टॉपिक पे आप वीडियोस बनाओ, तो इससे क्या होगा कि आपके अपने यूट्यूब चैनल के खुद से आपका टॉपिक अपने चैनल में ही मिल जाएगा। अब आपको यहाँ पे किसी और के चैनल के कमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपका अपने खुद से ही आप भाई इतना आपका कमेंट आ ही जाएगा, तो भाई आप दूसरे का चैनल में कैसे कमेंट पढ़ोगे, भाई अपना खुद का ही अपना पढ़ते रहोगे, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको मतलब मिल जाएंगे और आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो आई होप कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे और स्टेप बाई स्टेप देखे होंगे, तो आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट सेक्शन में आकर के मैसेज कर सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम आप पे आकर के डीएम कर सकते हैं कोई भी डाउट हो, क्योंकि मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं रिप्लाई देता हूं, भाई बोल दूंगा कि भाई आप आओ और कमेंट मतलब कि मैसेज करो या कमेंट करो और रिप्लाई देता हूं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, आपको एट अ टाइम रिप्लाई मिलेगा। भाई एक बार ट्राई करके तो देखो और आपको जो भी प्रॉब्लम होगा एट अ टाइम सॉल्व किया जाएगा। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब किस चीज का वेट करो, जल्दी से जल्दी फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।